Solve this one. And such kind of simple questions have been asked, okay, in the CDS exam. ये तो RMC, RMS, Scenic School कहीं भी पूछ सकता है, FCAT and all, ठीक है? Solve करो fast. Four options भी हैं. There are four options. चलो, so this is a very simple question, ठीक है? इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान है. How are we going to solve it? इसको हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज हैं इंपॉर्टेंट, वो हमें ध्यान में रखनी है. डू यू नो दिस दैट ए ए की पावर एम, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन को यू कैन राइट ए की पावर एम प्लस एन. ओके, बेस सेम तो पावर को ऐड कर सकते हैं. अगर ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन है, सो दिस यू कैन राइट एज ए की पावर एम माइनस एन. ठीक है, तो इन दो प्रॉपर्टीज का यूज करके विल गोइंग टू सॉल्व दिस वेरी इजी. ओके, चलो चलो ठीक है. आप लोगों ने चलो, यू हैव टू सॉल्व दिस कंप्लीटली. ओके, सी नाउ कैसे करेंगे आप देख लीजिए. ठीक है, इफ यू नो दिस प्रॉपर्टी, आप वन अपॉन ए की पावर एम माइनस एन को आप लिख सकते हो ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन माइनस वन प्लस वन अपॉन ए की पावर एन माइनस एन है. ठीक है, तो ए की पावर एन अपॉन ए की पावर एम माइनस वन. ठीक है, अच्छा, इफ यू टेक एलसीएम हियर, ठीक है, व्हाट द एलसीएम विल गोइंग टू कम. ओके, सो दिस विल बी वन अपॉन, ठीक है, एलसीएम विल बी नथिंग बट ए की पावर एन ओनली, सो इट विल गोइंग टू कम ए की पावर एम माइनस ए की पावर एन प्लस वन अपॉन ए की पावर एन माइनस ए की पावर एम. एलसीएम इज नथिंग बट ए की पावर एम. ठीक है, तो ए की पावर एन ये तो ऊपर चल जाएगा. ठीक है, याद रखना दिस इज द मेन डिवीजन. ठीक है, अगर आप डिवीजन वाला तरीका भी अपनाओगे तो वो ये चीज तो ये हो जाएगा ए की पावर एन अपॉन ए की पावर एम माइनस ए की पावर एन. ठीक है, अच्छा, इफ यू टेक माइनस कॉमन, ठीक है, अगर आप माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे तो दिस विल कम. ठीक है, चलो मैं पहले मैं आपको सॉल्व कर लेता हूँ, फिर ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन माइनस ए की पावर एम. ठीक है, दिस मच इज क्लियर. इतना इतना क्लियर है सभी को. अच्छा, इफ यू विल ऑब्जर्व, अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पर एलसीएम लेने से पहले इफ यू विल ऑब्जर्व दैट द बेस, ये ए की पावर एम माइनस ए की पावर एन है, ये ए की पावर एन माइनस ए की पावर एम है. ठीक है, सो बेस आर नॉट सेम. अगर मैं बेस सेम कर दूं तो इट विल बी वेरी इजी फॉर मी टू सॉल्व इट डाउन. ठीक है, अगर मैं बेस सेम कर दूं तो ध्यान से देखना व्हाट आई एम गोइंग टू डू. मैं क्या करूंगा, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना. मैं अगले पेज में लिख रहा हूं इसे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सी हियर. ओके, इसको हम ऐसे इस तरीके से लिखेंगे, ध्यान से देखना इस चीज को. ठीक है, सो क्या था, हाँ, ए की पावर एन अपॉन ए की पावर एम, हाँ, ए की पावर एम माइनस ए की पावर एन प्लस, मैं उस पूरे टर्म को फिर से लिख रहा हूँ, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन माइनस ए की पावर एम. ठीक है, अच्छा, सी हियर, अब इसमें क्या होगा, आप इसको ए की पावर एन अपॉन ए की पावर एम माइनस ए की पावर एन करो प्लस, मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ, नहीं तो ये दो मिनट में समझ जाएगा. आई एम टेकिंग द साइन माइनस साइन कॉमन, ठीक है, इन द डिनोमिनेटर, सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा ए की पावर एम माइनस ए की पावर एन, ऐसा हो जाएगा. ठीक है, और ये जो माइनस साइन है, ये प्लस माइनस मिलके ये भी माइनस हो जाएगा, दिस विल बी ए की पावर एन अपॉन ए की पावर एम माइनस ए की पावर एन माइनस ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एम माइनस ए की पावर एन. ठीक है, तो ये दोनों मिलके प्लस माइनस मिलके क्या हो चुके हैं, माइनस साइन हो चुका है. ठीक है, ओके, प्लस और माइनस मिलके माइनस साइन हो गया. बस अब क्या करना है, अब तो बेस सेम है, अगर बेस सेम होता है तो हम तो न्यूमरेटर को एज इट इज सॉल्व कर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर विल गोइंग टू बी कैंसिल्ड ना, सो आंसर विल बी माइनस वन, नॉट वन, आंसर विल बी माइनस वन. चलो,